कहना चाहूँगा कि एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म बनने वाली है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ नारी सशक्तिकरण की बात करती है, ये एक बहुत बड़े चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है कि औरत चाह के भी कुछ नहीं कर पाती या चाह के करना नहीं चाहती या मर्द उसे करने नहीं देती, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब वो कर गुजरती है तो क्या समाज उसको एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल पॉलिटिशियन आती है, वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है जैसे सिंधु है, हमारी बैडमिंटन चैम्पियन है, अभी भी क्या एक्सेप्टेंस मिला है उस चीज़ का कि अभी भी सचिन तेंदुलकर को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है या क्रिकेटर को सबसे, क्योंकि वो मेल है, क्योंकि वो एक मर्द है। तो इन सारी चीज़ों का सवाल का जवाब वो देगा कि नारी के पास भी पावर हो सकता है और पावर मिसयूज़ नहीं होगा, वो सही जगह ही जाएगा। क्या किरदार है इसमें आपका? देखिए इस कहानी में क्या है कि एक लड़की के स्ट्रगल की दास्तान है और उसमें बहुत सारे साथी हैं जो उसको मिलकर उसकी प्रोत्साहन करते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसको उस जगह तक पहुंचाते हैं। उसमें से एक किरदार मैं भी हूं, जो रोमांस का भी पात्र बनता है, दोस्त का भी पात्र बनता है, फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, टीचर भी है, हर मुमकिन रास्ता बनाने की कोशिश करता है कि ये लड़की अपने मकसद तक पहुँच सके। तो किरदार कुछ ऐसा है। तो सुरती राव जी का और आपका केमिस्ट्री कैसी है? केमिस्ट्री आप फिल्म देखिएगा तो जान लीजिएगा। सुरती राव जी आप क्या कहना चाहें, आपका और आकाश जी का जो पेनिंग है, पेयरिंग है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और कुछ अलग वाइब के साथ आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है, सर के बैनर में पहले भी काम किया है और बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि इस फिल्म के लिए मुझ पर ट्रस्ट किया गया, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हीरोइंस हैं। थैंक यू करना चाहूँगी प्रदीप सर का, अनीता मैम का, साथ में हमारे राकेश जी का और कन्हैया जी का, जिन्होंने ट्रस्ट किया इस फिल्म के लिए। और डेडिकेशन तो सबने ही दिया हुआ है, ये है तो अफसर बिटिया, लेकिन अफसर बिटिया के पीछे कितने सारे लोग हैं वो फिल्म देख के पता चलेगा। बहुत मज़ा आ रहा है, कुणाल सर के साथ मेरी ये तीसरी मूवी है, बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं और सर ने हमेशा से कॉपरेट किया है, साथ में बीना दी ने भी बहुत कॉपरेट किया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ इस फिल्म को कर रहे हैं। बस यही है कि डेडिकेशन जो दिया हुआ है उसका रिजल्ट मिले और पब्लिक इसको देख के सराहे, और जैसे कि हमारे प्रदीप सर ने और राकेश जी ने, कन्हैया जी ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख के काम करने के लिए जो अंदर से आया कि नहीं भाई करते हैं, बहुत सारे बैनर्स हैं, लाइक बहुत सारे बैनर्स हैं, अलग अलग फिल्में बन रही हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, लेकिन जो सर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है ना भोजपुरी के लिए, बहुत बड़ी बात है, मतलब ये एक अलग ही अपोजिट है जो फिल्में आ रही हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और लकी मान रही हूँ, प्राउड कर रही हूँ, लाइक फैमिली भी काफ़ी प्राउड है इस चीज़ के लिए कि इस फिल्म का पार्ट हूँ मैं। और अफसर बिटिया इंडिविजुअल नहीं है, उसको बनाया है काफ़ी लोगों ने, उसके फादर का डेडिकेशन है, माँ का डेडिकेशन है, उसके दोस्त का डेडिकेशन जैसे कि आकाश जी ने बोला, टीचर का डेडिकेशन है, सबका डेडिकेशन है, चाहे मामा हो, मामी हो, मौसी ऑल्सो जो अभी कल ही गई हैं, मोना जी कल या आज गई हैं, तो बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है हमारी और बस इंजॉय कर रहे हैं। टेक्नीशियन काफ़ी अच्छे हैं, विजय जी काफ़ी डेडिकेशन के साथ कैमरा ऑपरेट करते हैं, लाइटमैन दादा सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जितने भी हेयर्स हैं, मतलब सभी बहुत अच्छा डेडिकेशन दिए हुए हैं, लग नहीं रहा है कि कोई नई टीम आई है, हालांकि मैं विजय जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आकाश जी कितने अच्छे लगे? आकाश जी के साथ फर्स्ट मीट अभी हुआ, आप लोगों के सामने ही हुआ, बहुत अच्छा नेचर लगा इनका। फर्स्ट थिंग क्या होता है ना कि जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, अच्छा लगा मिलके और होपफुली कि काम भी अच्छे से करें हम लोग और हमारी केमिस्ट्री आप लोगों को पसंद आए। शाह जी बात करें, प्रदीप शर्मा जी बाबा मोशन पिक्चर्स उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिनेमा बनाना एक चीज़ होता है और सिनेमा जीना एक चीज़ होता है, और इतने कम वक्त में इनकी जो फिल्म, मैंने आशिकी का ट्रेलर भी देखा था, उससे समझ में आया कि इनके पास वो आँख और परख है कि क्या फिल्म हम बनाएं जो दर्शक तक पहुँचे और उस टिकट जो 40-50-100 रुपए की टिकट खरीदें तो पूरा मनोरंजन लेके वो शांतिपूर्वक, बहुत सांत्वना मिले उसके दिल को कि हाँ मैंने कुछ देखा है, 3 घंटे मुझे मज़ा आया, मेरा दुख दर्द सब दूर हो गया और मैं निकल के आया हूँ और साथ ही साथ कुछ सीख के आया हूँ। तो इनकी सब फिल्मों में जब वो चीज़ रहती है, उसका नींव एक सीख है और उसके इर्द गिर्द हम ताना वाना कहानी बुनते हैं, तो उस फिल्म का चलना लाजमी है मुझे लगता है। और डायरेक्टर जोड़ी है, राइटर से डायरेक्टर बने, एसोसिएट से डायरेक्टर बने हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी तो बहुत दिनों से स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में उनका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, और कन्हैया जी मैं आपको बता दूं कि इनसे मेरी मुलाकात सेट पे हुई थी मेरी पहली फिल्म पे, तेरे जैसा यार का,
जिसमें पवन सिंह जी भी थे और मैं भी था। तब वो एसोसिएट डायरेक्टर मेरे ख्याल से फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर थे और आज वो फिल्म के निर्देशक बने हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने इनको मौका दिया, इतने टैलेंटेड थे उस वक्त भी जब सेट पर बात करते थे शॉट को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, और आज मुझे अवसर मिला इनके साथ हाथ मिला के काम करने का, तो इससे बड़ी बात को कुछ हो ही नहीं सकती। तो खैर, आपके पापा इतने बड़े महानायक हैं, इतने बड़े सुपरस्टार रहे, जो हीरो रहे हैं, आज इनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, क्या कहना है, एक पिता पुत्र और यहाँ एक कलाकार, सीनियर जूनियर कलाकार। देखिए, इससे पहले भी हमारी दो फिल्में आई थी, उसमें से एक रिलीज़ हुई भौजी पटेनिया, जिसमें उन्होंने किरदार निभाया था मेरे साथ। घर का एक रिश्ता और है, वहाँ बाप माफ़ कर देता है, लेकिन यहाँ एक सीनियर माफ़ नहीं करता, गलती हो जाती होना चाहिए तो बाप माफ़ कर देता है लेकिन सीनियर माफ़ नहीं करता, तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे अच्छा काम अपनी आत्मा को बेच के भी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। कहना चाहूँगा कि सिनेमा सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल के लिए बनता है, और मैं विनती करता हूँ सबसे कि आप अगर जाएंगे नहीं हॉल में तो हमारा कोई वजूद नहीं है, हम आपके लिए ही फिल्म बना रहे हैं, तो आप जाएं सिनेमा हॉल में, इस फिल्म को टिकट कटा कर देखें और अपने दोस्तों साथी परिवार वालों के साथ जाएं, क्योंकि ये फिल्म परिवार के लिए बनी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है, सबका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, लोगों ने यहाँ पर चप्पल पहनना छोड़ दिया करेक्टर को ज़िंदा रखने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी चीज़ों पर काम कर लिया है, अभी आधा पड़ाव हमने पार कर लिया, आधा बाकी है। फिल्म जब बन के आएगी तो आप सभी लोग जाइएगा थिएटर में, देखिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करके। मैं थैंक यू करना चाहूँगी प्रदीप सर का कि जब भी प्रदीप सर के बैनर में मैं आती हूँ कुछ अलग ही मुझे कॉन्सेप्ट देते हैं करने के लिए, अलग ही फ्लेवर के साथ लेके आते हैं। कुणाल सर का ऑल्सो, क्योंकि कुणाल सर हमेशा मुझे कभी भी, एक होता है ना कि सीनियर आर्टिस्ट के सामने काम करने में कभी कभी होता है कि यार, मतलब हेजिटेशन आता है कि क्या करेंगे, कुणाल सर ने इतना कंफर्ट जोन दिया हुआ है डे वन से कि मुझे नहीं लगता कि मतलब एक सीनियर जूनियर वाला, मतलब लाइक एक कंपेरिज कुछ चल रहा है, लाइक बहुत मज़ा आता है। तो आगे आने वाले टाइम में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और हो सकता है कि हमारे जितने भी मेकर्स हैं, जितने भी बैनर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो लोग इंस्पायर हो हमारी फिल्म से, अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं, और मैं ये नहीं कहती कि महिला ओरिएंटेड ही बनाएं, बनाएं जो भी उनका मन करते बनाएं, बट कुछ कॉन्सेप्ट अलग हटके बनाएं। ये भोजपुरी वाला जो टैग है ना, कह रहे हैं भोजपुरी मुझे नहीं देखना, भोजपुरी या चीप है, ऐसा नहीं चाहते हम लोग। तो इसीलिए सर ने जो अपना लिया है, प्रणय लिया है कि नहीं कुछ अलग करेंगे, चाहे हमारे राकेश जी हों, कन्हैया जी हों, सबका जितना डेडिकेशन है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज देखिए, आग्रह है आप लोगों से, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। कुणाल सर, आप क्या कहना चाहें ऑडियंस को? देखिए, मैं इस फिल्म की खासियत, हम सब मेहनत कर रहे हैं, हमारे निर्माता, निर्देशक, लेखक, लेकिन हम कलाकार, हम सब जो मेहनत कर रहे हैं, छोटा सा छोटा कलाकार भी बहुत उम्दा काम कर रहा है, उस चरित्र को जी रहा है। मेरी पत्नी बनी है बीना जी, कई फिल्मों का तजुर्बा है, लेकिन बहुत, वो छोटी सी बच्ची, पहली बार मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, आयुषी, इतना खूबसूरत काम वो बच्ची कर रही है, तो हम सब की मेहनत को जो इतनी खूबसूरती से हमारे कैमरामैन विजय जी ने प्रस्तुत किया, मैं आपको बताऊं, एक कल लाइटिंग हुई थी, एक लालटेन की रोशनी का एक सीन था, और मैं देख के दंग रह गया कि इतना यंग मैन, यंग कैमरामैन इतनी खूबसूरती काम लाइटिंग कर रहा है, वो मूड लाइटिंग, वो लाइटिंग देखने से ही आपको, उस दर्शकों को उस जगह में पहुँचा देगा कि इसकी हालत क्या है। तो इतनी खूबसूरत चीज़ें जब बनी है तो पर्दे पे, देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं, छोटे पर्दे के लोग याद नहीं, मुझे याद है बचपन में रामायण और महाभारत बचपन से सुनता आया हूं, और जब हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत बना तो लोग नहा वहा के टीवी पे देखते थे, लेकिन आज के जेनरेशन को पूछिए कि राम कौन बने थे, लक्ष्मण कौन बने थे, तो शायद ही लोगों को याद हो, लेकिन सिनेमा और सिनेमा का स्क्रीन वो होता है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे तो भी लोग जानेंगे कि मैं चलता कैसे था, मैं बोलता कैसे था। आखिर शोले को बने हुए 40 साल हो गई, लेकिन उसमें दो डायलॉग बोलने वाले सांभा कैरेक्टर को कोई आज तक नहीं भूल पाया। यह सिनेमा का हैंगओवर होता है, ये असर होता है, और उस असर को तैयार करने के लिए हमारे राइटर, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, लाइटमैन,
ड्रेस मैन, मेकअप मैन, सारे के सारे, और आप तमाम पत्रकार लोग जो हम लोगों की मेहनत को जनता तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये कितने लोगों की मेहनत से एक चीज़ तैयार होती है। तो मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से हम पैसे जुटा के एक फिल्म बनाते हैं भाई, और वो आपके मनोरंजन के लिए बनाते हैं। अगर आप थिएटर में जा के नहीं देखेंगे तो ये जो परिवार जो इस फिल्मों में काम करते हैं उनके बच्चों को रोटी कहाँ से मिलेगी। हमारे निर्माता महोदय 50 परिवार को पालते हैं, वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे वो। और पर्दे पे देखिए, अपनी भाषा को प्यार कीजिए, आपकी मातृभाषा की फिल्म है। अगर आप प्यार नहीं देंगे तो हम तो यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। प्रोड्यूसर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर की बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा बोलता भी हूँ, पहले भी बोला है, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि सर ने बोला कि भोजपुरी अपनी भाषा को प्यार कीजिए। मैं उन दर्शकों से इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि भाई, हिंदी फिल्म लगती है तो उसी थिएटर में जाते हो या नहीं जाते हो? हिंदी फिल्में वहाँ से कमा के क्यों निकलती है? ठीक है, आज तक आपको या कुछ दिन पहले तक कंटेंट अच्छा नहीं मिलता था भोजपुरी का, ठीक है आप बाहर चले गए, लेकिन आप समाचार न्यूज़ आप लोगों के माध्यम से पता तो रखते हैं कि कौन सी फिल्म कैसी बनती है। तो फिर उसको ज़रा सा उसको सपोर्ट कीजिए, हिंदी टाइप ही कीजिए, तभी इस भोजपुरी भाषा के लिए हम लोग भी कुछ कर पाएंगे।